मॉर्निंग स्टूडेंट, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कक्षा 9 जिसमें पहला पार्ट पालमपुर गांव की कहानी आपके सामने मैंने दो वीडियो दी है, उसको अच्छी प्रकार से आपने समझा होगा, पढ़ा होगा। साथ ही जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो आपके सामने बोर्ड पर लिखती हूँ, तो वह भी आप उतारते होंगे और साथ के साथ उनको याद भी करते होंगे। आगे भी मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, इसको चार भागों में बांटा गया है। ये जब मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था उस समय आपको बता दिया था और शायद नोट भी करवाया था और आपने नोट भी किया होगा। जैसे कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं जो है उसमें पहला जो आ जाएगा पॉइंट डेयरी, इससे आप भलीभांति परिचित है। डेयरी के अंतर्गत ऐसे कृषक परिवार या ऐसे परिवार जिनके पास गाय भैंस होती है और जो उनको जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा दूध अगर उनके पास होता है तो गांव में जो डेयरी होती है वहां पर जाकर या अपने गांव से दूसरे गांव जाकर दूध को वह डेयरी पर देकर आ जाते हैं। तो डेयरी से आप सभी बड़ी बातें बन चुके हैं। लघु स्तरीय विनिर्माण से अंतर्गत आ जाएगा दूसरे नंबर पर। तीसरा आ जाएगा दुकानदार, जो दुकानदार कहा के है पालमपुर के जो दुकानदार है और जो दुकानदार का कार्य करते हैं उसके अंतर्गत आ जाएगा। 14 पॉइंट आएगा परिवहन, एक एक पॉइंट लेकर मैं अच्छी तरीके से आपको इनको समझाऊंगी और विस्तारित रूप से इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे डेयरी, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सभी अपनी अपनी अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसको खोल ले, जो पहला पार्ट है उसमें पालमपुर में गैर कृषि क्रिया है उसके बारे में पढ़ा रही हूँ। ध्यान पूर्वक आप उसको पढ़ोगे, आपके सामने मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ और उसको अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। ध्यान पूर्वक आप उसको सुनेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखेंगे। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं जो आपके सामने लिख दी है, कितनी क्रियाएं है वहां पर? चार है। हमने देखा है कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है, खेती ही सबसे क्या है महत्वपूर्ण है। ये सारे कार्य जो हो रहे हैं, डेयरी का कार्य होगा, लघु स्तरीय विनिर्माण होगा, दुकानदार जो दुकानदारी करेगा, परिवहन जिस प्रकार से संचालित किया जाएगा, सभी का मेन जरिया क्या हो जाता है? खेती। क्या? खेती हो जाता है। ये सारे कार्य किस पर टिके हुए? खेती पर टिके हुए हैं। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादक क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% जो लोग है वो कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। कृषि तो करते ही है, कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। कितने प्रतिशत? 25% लोग, ठीक है। अब वो कौन कौन से कार्य करते हैं कृषि के अतिरिक्त? तो पहला हम इसमें ले लेंगे डेयरी, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है, ठीक है। क्या है? एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली जो ज्वार और बाजरा की फसल होती है उसका जो चारा होता है वह भी उसको खिलाते हैं। जिसको? अपने गाय और भैंस को। दूध को निकट के बड़े गांव में बेचा जाता है और पालमपुर जो गांव है वहां का निकट गांव कौन सा पड़ रहा है? रायगंज। कौन सा पड़ रहा है बच्चों? रायगंज। तो यहाँ पर पालमपुर के जो लोग है वो जाते हैं और जो गाय और भैंसों से प्राप्त होने वाला दूध है उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पास रखकर, ज्यादा जो दूध होता है, दूध की जो मात्रा होती है उसको वह ले जाकर कहाँ बेच देते हैं? रायगंज की डेयरी के अंदर बेच देते हैं। दूध को निकट के गांव रायगंज में बेच दिया जाता है। शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने राजगंज में दूध संग्रहण एवं शीतकरण केंद्र खोला है, जहाँ से दूध दूर दराज के शहरों एवं आस पास के गाँव तक पहुँचाया जाता है। इसके आगे हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। अब उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी, उससे पहले डेयरी के बारे में मैंने आपको बताया है, उससे आप भलीभांति परिचित हो गए होंगे। फिर दूध के साथ ही यहाँ पर मावा बनाना, दही, छाछ, यह भी इस पर मिल जाता है। तो वो सारे कार्य किससे संबंधित हो रहे हैं? दूध से। आगे हम पढ़ेंगे लघु स्तरीय विनिर्माण, इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे इस समय पालमपुर जो गांव है उसमें 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। कितने? 50 से कम, 50 से कम। अब यहाँ पर देखना 25% लोग टोटल जो है वह किससे जुड़े हुए हैं? गैर कृषि क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कौन सा कार्य किया जाता है?
डेयरी का कार्य सबसे ज्यादा किया जाता है और इसमें अब तक 50 से कम व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इस कार्य में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्री वगैरह द्वारा जो होता है वितरण, वो यहाँ पर नहीं होता, यह बहुत ही आसान तरीके से विनिर्माण का कार्य किया जाता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। बड़े स्तर पर ना करके उसको सिर्फ छोटे स्तर तक ही सीमित रखा जाता है और उस स्तर तक ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। जो परिवार के लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा यह कार्य किया जाता है। वह कार्य वह अपने घर पर भी कर सकते हैं और अपने खेत पर भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि परिवार के जो लोग होते हैं वह स्वयं मिलकर इस कार्य को संचालित कर लेते हैं। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लेना पड़ता है, यानी 90% तो घर के जो परिवार के लोग होते हैं वो भी काम करते हैं और 10% में कभी कभी देखा जाता है कि किराए पर मजदूर लगाए जाते हैं। वैसे बहुत कम मात्रा में लगाए जाते हैं बाहर से मजदूर, वरना जो परिवार के सदस्य होते हैं वो भी मिलकर इस कार्य को संचालित कर लेते हैं। अब इस कार्य के अंतर्गत एक तो मिश्रीलाल की और एक करीम की जो कहानी आई है बहुत ही शॉर्ट तरीके में मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ कि वो किस प्रकार से अपना कार्य संचालित करते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप उसको सुनेंगे, मिश्रीलाल की कहानी। मिश्रीलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी थी। किसान यहाँ के जो है वह गेहूं की खेती करते हैं, आलू की करते हैं और कौन सी करते हैं, गन्ने की। यह मैंने विस्तारित रूप से आपके सामने पिछली वीडियो में बताया था। तो गन्ने की जो खेती करते हैं उसके अंतर्गत मिश्रीलाल ने गन्ने पेरने अर्थात गन्ने को फेरने और उससे जो रस निकलता है वह मशीन वह लेकर आ गया है जो बिजली से चलती है। बिजली की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है और उसे अपने खेत में लगाया है। तो यह कौन सा विनिर्माण के अंतर्गत क्या जाएगा? गन्ने का काम जो मिश्रीलाल के द्वारा किया जा रहा है वह एक कार्य मशीन लगाकर अपने घर पर भी कर सकता है और अपने खेत पर भी कर सकता है और परिवार के जो सदस्य होते हैं इसमें मिलकर उसका सहयोग करते हैं। तो उसने कहां पर लगा दिया है मशीन को? अपने खेत पर लगा दिया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, लेकिन अब यह काम किसके द्वारा संचालित होने लग गया है? मशीनों के द्वारा। और मशीनों को किसकी जरूरत पड़ती है, किसने की जरूरत पड़ती है? तो यह काम बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में संचालित हो जाता है और इससे जो व्यक्ति या जो किसान इस कार्य को करता है उससे उसको बहुत मुनाफा भी मिलता है। मिश्रीलाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। ये मैंने आपको बताया था, उदाहरण दिया था गुड़ का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। तो जो आसपास के किसान है उनसे भी वह गन्ने खरीद लेता है और यह कार्य करता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पास में जो शाहपुर है, रायगंज है, वापस जाकर इस गुड़ को वापस बेच दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रीलाल थोड़ा लाभ भी कमा लेता है, यानी यह जो सोचता है फायदे का है, इसमें उसको मुनाफा ही मिल रहा है। तो विनिर्माण के अंतर्गत क्या गया? गन्ने का कार्य आ गया। इसको आप बहुत ही इजी तरीके से कहानी के रूप में मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे कि करीम की कहानी के अंतर्गत करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। क्या खोला है? कंप्यूटर का केंद्र, जिससे आप भलीभांति परिचित है। गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा विकास कौशल शिविर भी लगाए जाते हैं। उसमें निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है। 2 महीने 3 महीने का जो कोर्स होता है RCIT तो अधिकतर बच्चों की नॉलेज में हो गई। वह बहुत बार तो होता है पैसे देकर करना पड़ता है और बहुत बार होता है गवर्नमेंट की जो स्कीम निकलती है उसके अंतर्गत कंप्यूटर केंद्रों पर कार्य किया जाता है। और हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं और कॉलेज जाने वाले बच्चे को कंप्यूटर कोर्स करना अनिवार्य होता है। और तो एक नियम सा बन गया है कि गवर्नमेंट जितने भी अधिकारी उनको भी एक बेसिक कोर्स RCIT का करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की तरफ जाते हैं और वहां पर कंप्यूटर कक्षाओं में भाग लेते हैं, कंप्यूटर कोर्स सीखते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री है, अर्थात 2 महिलाओं ने डिग्री प्राप्त कर रखी है। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। 2 महिलाओं से वह मिला, कंप्यूटर तो लगा रख दिया, लेकिन उन महिलाओं से मिला कि तुम आना और यहाँ पर तुम जो भी आगे गांव के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर कोर्स सिखाना, इसके लिए तुम्हें वेतन दे दिया जाएगा। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर के बाजार की और खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ कर दी। अपने ही घर के अंदर उसने क्या कर दिया, बाहर जो दुकानें हैं रोड की साइड जो रास्ता जा रहा है वहां पर कंप्यूटर कक्ष बना दिया और कंप्यूटर का कार्य संचालित करा दिया। हाई स्कूल के
पे जो 25% जनता है वह इसकी तरफ अग्रसर है और कुछ न कुछ अलग करना चाहती है। इसलिए पालनपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। वस्तु विनिमय समझ गए, वस्तु के द्वारा वस्तु का आदान प्रदान करना। पालनपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। बाहर जाते हैं, बाहर से होलसेल में बहुत सारा इकट्ठा सामान एक साथ खरीद लेते हैं और गांव में दुकान लगाकर उसका वितरण करते हैं सामान बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, जो इंसान की आवश्यकताओं की चीजें है, दैनिक दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं वो वहां पर मिल जाती है। साथ ही छोटे छोटे बर्तनों की दुकान, कपड़ों की दुकान, जूतों की दुकान, तो गांव के अंदर ये बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो इस प्रकार की दुकानें लगा लेते हैं जिससे उनको मुनाफा तो होता है, साथ ही गांव के जो लोग होते हैं उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए दौड़कर शहर की ओर नहीं जाना पड़ता है। कुछ परिवारों में जिनके घर बस स्टैंड के निकट है अपने घर की एक बार में छोटी सी दुकान खोल लेते हैं और इस प्रकार से किसी भी चीज की वह दुकान लगा लेते हैं। किराना स्टोर लगा लेते हैं, कपड़े के व्यापारी बन जाएंगे, बर्तन भी लगा लेंगे, जूतों की अलग से लगा लेंगे, तो इस प्रकार की दुकानें वहां देखने के लिए मिल जाती है। आगे हम देखेंगे कि चौथा पॉइंट जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है, परिवहन के अंतर्गत आता है। परिवहन चौथा पॉइंट आप देखोगे कि पालनपुर गांव में जो अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है और कृषि पर आधारित होने के कारण जो उनके खेतों में अनाज होता है या गाय पशु से प्राप्त होने वाला दूध जो है उसको भी बेचने के लिए वो कहां पर जाते हैं, पास के गांव में जाते हैं, शाहपुर में जाते हैं, राजगंज में जाते हैं। तो इतना सामान छोटी गाड़ी पर ना ले जाकर बड़ी गाड़ियों के अंतर्गत भरकर उनको ले जाया जाता है और मंडियों में उनको बेचा जाता है। तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है, परिवहन की, अर्थात इसके अंदर ट्रैक्टर ले लेंगे, छोटी गाड़ी ले लेंगे, बस ले लेंगे, तो सड़क की जो व्यवस्था है वो भी वहां पर बहुत अच्छे तरीके से है। तो पालनपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, कई प्रकार की साइकिल ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, रिक्शा ले लो, टेम्पू ले लो, जीप ले लो, ट्रैक्टर ले लो, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अनेक वाहनों के अंतर्गत आ जाते हैं। ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी जो बहुत कम संख्या में अब दिखाई देती है, बैलगाड़ी से आप भलीभांति परिचित होंगे। पहले सारा कार्य खेतों से अगर फसल को घर तक लाना है तो उसको बैलगाड़ी के द्वारा ही लाया जाता था और दूसरे पैदल चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल थे। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। परिवहन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ माल का ही आयात या निर्यात होता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको किसी आवश्यकता के अनुसार एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है। सामूहिक भोज जो होता है, सामूहिक कार्यक्रम जो होते हैं उसमें पूरी फैमिली एक साथ जाती है, तो उसके लिए उनको परिवहन की जरूरत पड़ती है और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं जो परिवहन के साधन जो चलाता है, ठीक है, उसके बदले में अगर कोई व्यक्ति गाड़ी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है उसके बदले उसको क्या दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हम भी देखते हैं दैनिक दिनचर्या में कि परिवहन के जितने भी साधन हैं उनमें सभी में जो इंसान है, लोग है, वो आवागमन करते हैं, तो आज इनका महत्वपूर्ण स्थान है मनुष्य के जीवन में परिवहन का। आगे हम एक छोटी सी कहानी है, किशोर की कहानी, ये वापस मैं आपको एक बताना चाहूंगी। किशोर एक खेतीहर मजदूर है। क्या है किशोर? एक खेतीहर मजदूर है, खेती करता है। अन्य ऐसे श्रमिक ही अर्थात किशोर के पति ही अपनी मजदूरी करते हैं और अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं और जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। साथ ही इसमें उनको अनेक प्रकार की कठिनाई भी होती है क्योंकि हर आवश्यकताओं को पूरा करना मनुष्य के बस में नहीं है, क्योंकि किसान है और कुछ किसानों के पास स्वयं की जमीन होती है, उसके पास नहीं होती है, तो जिनके पास नहीं होती है उनको अपनी जो आवश्यकताएं होती है उसके लिए किसी न किसी आवश्यकताओं को मन मारकर जीना पड़ता है। आगे हम देखेंगे कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। कहां से कर्ज लिया था? बैंक से। क्या लिया? कर्ज लिया, उसको पैसे की जरूरत थी, उसने बैंक से ले लिए। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था, सरकारी जो गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत बार लोन वगैरह दिए जाते हैं उसके अंतर्गत था, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे, ठीक है, सस्ते कर्ज
देता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारा वालों को डालने के लिए उन भैंसों को भागता है और पीछे गाड़ी के अंदर सामान भर देता है, चारा वगैरह भर देता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वह काम में जाती है। साथ ही दूध मिल रहा है, ठीक है, गोबर जो प्राप्त होता है उससे कंडे बनाकर बेचे जा रहे हैं और खेतों में खाद के रूप में भी वह काम में आ रहा है। तो हर प्रकार से उसको फायदा ही है इसको खरीदने के लिए। जिस भी वह कई प्रकार के सामान ले आता है, बगाड़ी बनाता है, उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के सामान का आवागमन के रूप में प्रयोग करने लगता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। अब सप्ताह में एक बार वह मिट्टी भी लेकर आता है, कुम्हार के यहाँ डालता है, मिट्टी जैसे खाते होते कुम्हार उसी बदले में उसको पैसे दे देता है। या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाम को जाता है। आगे पैसे है, बैलगाड़ी का एक गाड़ी बना लेता है जिसमें बैल ना हो तो क्या होता है, भैंसे आगे बंधी हुई होती है दो भैंसे, तो उसे भैंसा गाड़ी बोल दिया गया है और आप बोली बात परिचित हो गया, बैलगाड़ी के समान ही यह है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। तो यह जो अलंकुर में गैर कृषि क्रियाएं है, अन्य गैर कृषि क्रियाएं खेती के अलावा डेयरी का काम हो गया, लघु स्तरीय विनिर्माण हो गया जिसमें गन्ने का उदाहरण दिया है, दुकानदार हो गया, कंप्यूटर की दुकान वगैरह लगा ली है, परिवहन के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया है कि सामान लादने वगैरह के लिए स्वयं की जो गाड़ी होती है उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और उससे किस प्रकार से मुनाफा कमाते हैं। आगे जो सारांश है इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो है मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान पूर्वक आप उसको सुनेंगे। गाँव में खेती की मुख्य क्रिया ही है, ठीक है, किसानों के पास, और किस प्रकार से वह पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं और आपने देखे भी होंगे। इनकी वजह से किसान उतनी भूमि में अधिक फसल पैदा करने लग गया है क्योंकि कृषि के जो नए नए यंत्र है वह उपयोग में लाने लग गया है और जो बीज है वह भी उन्नत किस्म के लाने लग गया है। तो जो फसल पिछले साल होती थी उससे डबल साल होने लग गई है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है और पूंजी उसके पास न होने के कारण वह बैंक से कर्ज ले लेता है या किसी साहूकार के पास जाता है, वहां से पैसे लाता है। अगर वह दिमाग से काम करता है तो उसको चौतरफा अर्थात ब्याज नहीं चुकाना पड़ता है और अगर वह सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, दयनीय हो जाती है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई बीजों में श्रम का अधिक उपयोग करना आदर्श होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए कभी कभी श्रम की जरूरत पड़ती है और कभी कभी दिमाग की जरूरत पड़ती है। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है, अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों में, शहरों में तथा कस्बों में जा रहे हैं। किस लिए? अच्छे रोजगार की तलाश में, अच्छे कार्य की तलाश में। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है, इन्होंने अपने गांव को नहीं छोड़ा है और जो अन्य प्रकार की गैर कृषि क्रियाएं है उनको करने लग गए है और अपने जीवन को, अपने जीवन की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ बना लिया है, अच्छा बना लिया है। इससे उनको किसी न किसी प्रकार का बेनिफिट अर्थात फायदा ही मिल रहा है जिससे उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वह आनंददायक हो गई है। इस समय गांव में कृषि गैर कृषि क्षेत्र बढ़ गया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि 25% लोग ही इसमें लगे हुए है, इन कार्यों में लगे हुए है, बाकी या तो खुद की ही खेती कर रहे हैं, कई कार्य कर रहे हैं या फिर ऐसा तय किया जाता है कि गांव से शहरों को उनका पलायन हो गया है। किसी भी प्रकार की सरकारी या प्राइवेट जो नौकरी होती है या रोजगार की तलाश में किसी दुकानदार के यहाँ बैठना, मिलों में काम करना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करना, तो इसके लिए उन्होंने गांव से किस तरह रुख कर लिया है, शहरों की तरफ कर लिया है। वो चाहते हैं कि ऐसा करने से हमारी जो दिनचर्या है वह बदल जाएगी, आर्थिक स्थिति है जो कि बिल्कुल नीचे बैठ चुकी है उससे वह शिखर की तरफ चले जाएंगे। आगे आप देखोगे कि लोग कम पूंजी में भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है, या तो अपने ही बचत का उपयोग करके किया जा सकता है या फिर कहीं से कर्ज लेकर इसको किया जा सकता है। जो आगे आप देखोगे पालनपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि जो उपलब्ध होते हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, परिवहन का किया जा रहा है और परिवहन के
तो आप अपने सुझाव जो है वो सबके नंबर पर भेज सकते हैं। जैसे कि प्रश्न आपके सामने क्षेत्र की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है उसके बारे में है कि अधिक आयुक्तों की आवश्यकता होती है, उनको कैसे विनिर्माण किया जाता है। आगे आप देखोगे पालनपुर में बिजली के प्रसार से किसानों की किस प्रकार से मदद हुई है, तो बिजली से उनकी जो कृषि कार्य है वह बहुत ही कम समय में होने लगे है, जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताया वो आप इसमें कर सकते हो। क्या सिंधी क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, तो हाँ महत्वपूर्ण है, क्यों है उसके बारे में आप कर सकते हो। पालनपुर के जो 450 परिवार आए है उनके विवरण की 80% जो है उनकी स्थिति कैसे है, 150 परिवार जो है उनकी स्थिति कैसे है इसके बारे में आपको लिखना है, और पूरा विवरण जो है आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर में आपको बताती हूँ। पेज नंबर है 6 पर चित्र जो है 1.5 पालनपुर गांव कृषि भूमि का वितरण, उसको आप इसके अंतर्गत डायग्राम बनाकर कर सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर भूमि में मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए, 1 हेक्टेयर का भी क्या अर्थ है वह मैंने आपको बता दिया है। मजोले अर्थात मध्यम श्रेणी और बड़े किसान कृषि में कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से किस प्रकार से भिन्न है, तीनों प्रकार के किसानों की स्थिति क्या होती है वह मैंने आपको बताई है। तो यह जो पूरा पाठ था अर्थशास्त्र के अंतर्गत पहला पाठ पालनपुर गांव की कहानी, यह मैंने आपको बहुत ही अच्छी